औरंगजेब जिहड़ा औरंगजेब दे अखबार जिहड़ी आ अखबार नवीन इदां कह लो कि जिहड़ा खबरी सी उहदा औरंगजेब दा उन्हें वह खबर लिख के भेजी औरंगजेब वाल कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इदा पंडाल लाया ये सब कुछ इतने वरत्या तो तकरीबन 20,000 लोग जड़े ने उन्होंने इतने शस्त्रधारी होना किया इतने अमृत जिहड़ा गुरु ने तैयार किया उन्होंने छका के तो हथियारबंद कर लिया है। ये खबर जिहड़ी है औरंगजेब बादशाह तक पहुँच गई। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों प्यारे इत्थे परख कर लई सिख पास हो गए तो अगे जिहड़ी विचार आउंदी आ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आप खुद सतवीं जगह ते आप खुद परख देण वास्ते तैयार हो गए। वह परख लिखी है गुरु की परख। गुरु साहब सच्चे पातशाह ने अपना खुद का परतावा लिया। देखो मैं अगे भी बड़ी बारी बेनती की है कि गुरु साहब सच्चे पातशाह जदों भी प्यारे हो सानू कुछ भी करन लई कहिंदे ने साडे को कुछ भी करवांदे ने खुद भी करके विखाउंदे ने वह सारा कुछ खुद भी करके विखाउंदे ने। ये नहीं कि हुक्म देना ही जानते ने कम करवाउणा ही जानते ने खुद भी गुरु साहब सब जानते हैं खुद भी करते हैं। जे आख्या ना लंगरां दे विच सेवा करो तो खुद भी सतगुरु पातशाह सेवा करते रहे ने। आख्या ना किरत करो तो गुरु नानक पातशाह खुद कख घा जिहड़ा है चुगदे रहे ने झोनिया दे विचों कख कढ़दे रहे ने। ये सानू नहीं कहा कि किरत करो खुद भी करके विखाई कहते ना आखण कि गुरु जी किवें करी दी महाराज कहिंदे आला करके विखा दिंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने प्यारे जिहड़ी अगली परख दित्ती अपनी खुद दी सतगुरु पातशाह जी ने जिमें प्यारो भाई लहणा जी गुरु नानक साहब ने वेख्या कि भाई लहणा जी प्यारे परख दे विचों पास हो गए ने ते महाराज सच्चे पातशाह ने फिर अपना परतावा लिया। गुरु साहब ने उन्होंने गुरता गद्दी दे के खुद मत्था टेक दिता। ये आप खुद का परतावा सी उन्होंने गुरु बना दिता बराबरी दे दिती अपनी। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अपने आप नूं परताया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हां पंजां नूं अमृत छका के ते प्यारे तख्त तो हेठा आ गए। गुरु साहब जी अपने सिंघासन तो थले आ गए छाल मार के। पातशाह जी ने उदा ही हाथ जोड़ के आख्या प्यारियो तुसी हुण गुरु रूप हो गए हो पंजे ही तुसी पंज जिहड़े सी पंज प्यारे बन गए हो तुसी गुरु दा रूप हो गए हो ते इदां करो ये अमृत दी दात हुण मैनू भी दिओ। दोनों हाथ जोड़ के प्यारे अमृत मंगिया। ये अमृत गुरु साहब ने जदों मंग कीती ते पंज प्यारे साहिबान जिहड़े ने बड़े आश्चर्य हो गए हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने दिलों में बड़ा प्यार ते अदब से गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जो अमृत मंगया पहले तो इन्हों के मन विचार आई कि किवें ये गल बनेगी कि गुरु तो अमृत देने वाला दाता अमृत दा ते गुरु है तो असी कौन होंगे गुरु नूं अमृत देने वाले। पर प्यारे फिर उन्होंने मन में विचार की पंजा ने कि असी हुण गुरु दे आ असी अपना सब कुछ गुरु नूं भेर कर दिता है। ये एक पुतली है शरीर गुरु की तो जिमें गुरु चाहेगा इनू नचा लवे इस पुतली नूं जिद्दां करन दिल करदा गुरु दा करे। जेकर हुण गुरु का हुक्म है अमृत देना तो ये ओदी आग्या है ओदा शरीर है जिद्दां चाहे चला लवे अपना आपा सब कुछ अर्पण कर दिता गुरु नूं एवें नहीं शीस देण लई तुर पए। प्यारे जदों अपना आपा अर्पण किया तो महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल जो हुक्म से महाराज कहिंदे जिवें असी अमृत तैयार किया पंज बाणियां दे नाल तुसीं भी अमृत तैयार करो तो मैनू छकाओ। हुण जिहड़ी संगत आ उह वी हैरान आ कि किन्ना अचरज कौतक आ पर फिर भी प्यारियो जिथे पहला मना दे विच जदों शुरुआत होई सी आरंभ होया सी आरंभता होई सी उदों डरदे सन सारे पर जिवें ही पहली बार ये दिन समाप्त होया सी ते सारियां नूं पता लग गया गुरु जी बस परतावा लैंदे ने ते अज वेखो जिथे बाकियां दा परतावा लिया आप खुद भी अज परतावा दे रहे ने अपना खुद दा खुद दी परख दे रहे ने। ते प्यारे जदों पंजां दे कोलों अमृत लिया ते एक सिख ने कहिंदे ने उदों उच्ची आवाज विच करा लिया वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला गुरु आपे चेला बन गया है इदां जकारा लाया ते इह दूजे भाई गुरदास जी ने बचन जिहड़े ने प्यारे लिख भी दिते ने अपनी बाणी दे विच उन्होंने इहनूं लिख भी दिता है।
धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने फिर प्यारियो तख्त ते जा के फिर विराजना किया। हुण इत्थे ये गल नोट रखने वाली है कि गुरु ने बेशक उन्होंने वड्या दिता पंजा नूं कि तुसीं गुरु हो, पर वह गुरु बन के बैठे नहीं, फिर भी अपने आप नूं निम्रता दे विच उन्होंने रखिया कि सतगुरु जो तुहाडी जगह है वो असी नहीं लै सकते। बेशक गुरु साहब ने कह दिता खालसा मेरो रूप है खास। महाराज सच्चे पातशाह ने जो इन्हों मंग करके अमृत लै लिया इन्हों को, इन्हों भी तैयार कर लिया, तो फिर गुरु साहब ने हुक्म किया भाई जिहड़ा जिहड़ा भी हुण गुरु वाला बनना चाहता है वह अमृत जिहड़ा खंडे बाटे का पान कर लवे, इस अमृत नूं धारण कर लवे, पंजां कक्कियां नूं धारण कर लवे। सो इदां कहिंदे ने जो औरंगजेब, जिवें मैं विचार दसी प्यारे कि 20,000 दे करीब कहिंदे ने उदों सिखां ने अमृत जिहड़ा है छकिया उस सभा दे अंदर केसगढ़ साहब की पावन धरती ते, ते गुरु साहब ने उन्हां पंजां प्यारियां दी फिर ड्यूटी ला दित्ती कि जदों भी कोई आवे गुरु वाला बनन वास्ते तो उन्हां नूं ये समझा देना तो ये अमृत जिहड़ा उन्हां नूं छकाउणा है। फिर बाद विच प्यारे ये जिहड़ी रीत सी गुरु साहब की बख्श सी ये आरंभ हो गई। जदों भी फिर कोई दिन आउंदा है खास उदों अमृत का बाटा तैयार हो जाता, तो बड़े बड़े दूरों आण के सिंह सजन वास्ते, सिंघणियां सजन वास्ते बीबियां आउंदियां ने। ये सतवां परतावा प्यारे गुरु जी ने अपना खुद दा दिता कि गुरु हुंदिया होया भी अपने आप नूं सिख बना के ते सिख नूं गुरु की जगह बहा देना। इदां हुंदा नहीं प्यारे कि अपनी जगह जिहड़ी उच्ची जगह दे के ते खुद नीवें जगह चले जाना, पर ये साडा सतगुरु करदा। प्रेमियां दे प्रेम जिहड़े ने उह वेखदिया होया गुरु साहब ने आख्या तुसीं गुरु पदवी ते विराजो। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करने सतवां परतावा है। इस तों बाद जो पहाड़ी राजियां दे विच विचारां तुरियां ए जदों अमृत जिहड़ा छका दिता गया, पहाड़ी राजियां दे विच जो विचारां तुरियां ने जिवें जिवें इतिहास आवेगा आपां रोजाना